ये लीडर हैं। 100 भेड़ों के आगे एक शेर लगाओ, भेड़े शेर हो जाती, और ये शेरों के आगे बब्बर शेर है। और इनके आगे मैं बात जो करने वाला हूँ वो बड़ी पते की, और यहाँ वाजिब की है। तो पहले भी था साहब, पहले भी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती थी। आप मंडियों की बात करते हो, आप ये बात करते हो कि फ्री मार्केट होनी चाहिए, तो फिर ये कानून बनाने की क्यों जरूरत है? वहां से ईनाम होता था, ऑनलाइन ट्रेडिंग होती थी, ये कानून क्यों बनाए गए? ये कानून इसलिए बनाए गए कि पंजाब के किसान के कानूनी अख्तियार, कानूनी अधिकार पूरी तरह से छीन लिए जाएं। मैंने आज तक कोई ऐसा कानून नहीं देखा जो किसान को कोर्ट में जाने से रोकता है। ये वो कानून बनाया है मोदी साहब ने काला, जिससे किसान अगर उसका कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता, नंबर एक। नंबर दो, वो एसडीएम के पास जाएगा या वो डीसी के पास जाएगा जिसका कंट्रोल सेंटर की सरकार के पास होगा। और ये चुने हुए नुमाइंदे, ये रेस जिताने वाले घोड़े दर्शनी घोड़े बना दिए जाएंगे, इन चुने हुए नुमाइंदों को नकारा कर दिया जाएगा। ये मैंने देशों में सुना था कि एक दो कंपनियां मोनोपोली बनाती हैं, और वो मोनोपोली बना के जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी राज किया करती थी, वो मोनोपोली बना के राज करती हैं। ये वही हो रहा है, ये रिमोट कंट्रोल ये गोरे अंग्रेजों के हाथ में नहीं, ये काले अंग्रेजों के हाथ में दिया जा रहा है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये पूरे का पूरा कंट्रोल हमें कठपुतलियां बनाने के लिए अंबानी और अडानी के हाथ में देने की ये साजिश है। उसका प्रमाण है 17 लाख करोड़ रुपए के एनपीए हैं, बैंकों को लुटा दिया 17 लाख करोड़ रुपए के एनपीए आपने सारे बैंक लुटा दिए, किसी एक पे कार्रवाई हुई? पिछले से पिछले साल 5 लाख करोड़ रुपया आपने टैक्सों का छोड़ा। इन बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को वो जब पैसे छोड़ते हो टैक्सों के 5-5 लाख करोड़ रुपए, तो आप कहते हो इंसेंटिव, और गरीब किसान को अगर 4 पैसे देते हो तो उसको कहते हो सब्सिडी। वाह वाह, 17 लाख करोड़ के एनपीए, पूछिए मोदी सरकार से क्या जवाब नहीं बनाया किसी को। 5 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यूज फोरगॉन बजट में आते हैं। ये तिवारी साहब बैठे हैं, एमपी साहबान बैठे हैं, रेवेन्यूज फोरगॉन, वो रेवेन्यूज फोरगॉन आप छोड़ते हो, वो इंसेंटिव। और किसान की जो बनी बनाई इनकम थी, किसान क्यों डरा हुआ है? किसान इसलिए डरा हुआ है कि उसकी लागत बढ़ रही है, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, पेस्टिसाइड के ऊपर खर्चे बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। लेकिन जो उसकी अशोर्ड इनकम थी, आज मोदी सरकार वो अशोर्ड इनकम को छीन रही है। पॉइंट नंबर टू, ये पहला था। पॉइंट नंबर टू, दिस इज एन अटैक ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ये हमारे संघीय ढांचे के ऊपर एक अटैक है। इट इम्पिंजेस एंड इम्पीड्स ऑन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट पे, हमारी आत्मा पे ये आघात है। हर स्टेट के अलग अलग मसले हैं, हर एक स्टेट के अलग अलग मसले हैं साहब, इसीलिए उन अलग अलग मसलों को सुलझाने के लिए वहां की सरकारों का चयन होता है। ये कहां का इंसाफ है कि एक चीफ मिनिस्टर और उसके सारे चुने हुए नुमाइंदे, ऑपोजिशन वगैरह सारी इकट्ठी, तुम एक स्टेट के चुने हुए नुमाइंदों की आवाज को दबा रहे हो और उसके 70% किसान उनकी आवाज को दबा रहे हो। इट इज एन अटैक ऑन आवर फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर पे ये जो अटैक है, इसके बारे में मैं पूरी तरह से पुरजोर विरोध करता हूं। और प्रियम्बल में एक वर्ड आता है फ्रटर्निटी। फ्रटर्निटी का क्या मतलब? फ्रटर्निटी का मतलब है कि हम आपसी भाईचारे में बंधे हुए हैं, हम पारिवारिक सांझ में बंधे हुए हैं, और वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारा कल्चर अलग है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। तो जब हम अपने स्टेट की बात
बुलंद कर रहे हैं या किसी इंडिविजुअल किसान की बात बुलंद कर रहे हैं, हम किसान के साथ साथ हम संविधान के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आज संविधान के पक्ष में खड़े हैं, अपने फेडरल स्ट्रक्चर के पक्ष में खड़े हैं। एकता तो जेल की भी होती है, लेकिन साहब ये जेल की एकता नहीं है, ये आपसी भाईचारे की, हिंदुस्तान की एकता है। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और वो संजीदगी से लेने वाली बात है। जो लोग, और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कह रहा हूं, जो लोग वन नेशन वन मार्केट की बात करते हैं, वो पंजाब के चुने हुए नुमाइंदों की और एक चीफ मिनिस्टर की आवाज को दबा रहे हैं और कुचल रहे हैं, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जीएसटी की तरह ये पंजाब की इनकम पे वार, तुम हमारे ही पैसे लेते हो। जीएसटी में तुमने फाइनेंशियल कंट्रोल ले लिया और सारे पैसे स्टेट के बिहाफ पे तुमने वो इकट्ठे किए और तुम हमें ही वो पैसे देने के। ये कहां का इंसाफ है भाई? चोरी और सीना चोरी क्या ये सरकारें ये करेंगी? हमारे पैसे लेके तुम ये कहते हो कि हमसे लोन पे वापस ले लो, धिक्कार है ऐसी सरकार पे। काहे का फेडरल ढांचा फिर? काहे की आपसी भाईचारक सांझ? और तुम इकोनॉमिक ब्लॉकेज लगाते हो, यूजिंग द वर्ड इकोनॉमिक ब्लॉकेज। तुम हमारी रेलें रोकते हो, तुम सामान नहीं पहुंचने दोगे, तुम थ्रेटन करते हो हमें। एक तो तुम हमारे किसान की, और ये किसानी इज अ वे ऑफ लाइफ इन पंजाब, ये जीवन जीने का एक तरीका है, ये हमारी पगड़ी है। तुम हमारी पगड़ी को हाथ डालो तो वो हाथ तोड़ के डालो, हमारी पगड़ी को हाथ डालोगे वो हमें मंजूर नहीं है। और मैं आज भी ये कहता हूं कि तुमने हमें सवेरे भी रोकने की कोशिश की। किसानी का संघर्ष जो है वो पवित्र संघर्ष है, झंडे में डंडे वाला संघर्ष है, नॉन वायलेंट संघर्ष है। तुम उस संघर्ष को बाहरी ताकतों के साथ जोड़ोगे तो तुम किसान का निरादर कर रहोगे, उसका अपमान करोगे, वो हम सहन नहीं करेंगे। अगली बात मैं कर रहा हूं, पहले आपने जीएसटी छीन लिया, हमारी मंडियों से 5,000 करोड़ रुपया, सीएम साहब बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, 5,000 करोड़, पिछले साल 4,000 करोड़, इस साल 5,000 करोड़, बाप दादाओं ने, हमारी पुश्तों ने, चार पीढ़ियों ने मिलके वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। मैं पूछता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि मोदी साहब, जहां आपने ये मंडियां नहीं है, जहां आपने ये पहले लागू किया, मुझे ये बताएं कि वहां का किसान उसकी क्या हालत है। वो लेबर कर रहा है, लेबर कर रहा है। देखिए आप, मैं स्टेटों का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो भी सब में हमारी पगड़ी है, हम जानते हैं, लेकिन तुम हमारे किसानों को लेबर करवाओगे? इस पगड़ी को हम पैरों में नहीं लड़ने देंगे, और यह संघर्ष हमारा गहना बनेगा। मनु साधी दात्री असी मनु दे सोए, जो जो मनु वड़दा असी धूड़ सवल्ले होए, असी धूड़ सवल्ले। चूने की छत के ऊपर जितने थप्पड़ मारोगे वो उतनी ही सख्त, उतनी ही तगड़ी होती जाएगी। ईंट को आग में डालोगे, सोने को आग में डालोगे, वो पक जाएगा और भी चमकेगा। मैं अगला पॉइंट जो है वो ये कह रहा हूं कि पहले आपने जीएसटी छीना, फिर आप हमारी मंडियों पे आ गए, 28,000 आरतीय रजिस्टर्ड, 5,00,000 मजदूर जो मंडियों में काम करता है, हमारे बाप दादाओं का बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर तुम उसे बर्बाद करने के ऊपर तुले हो, और जहां तुमने ये फ्री मार्केट लगाई है वहां किसान लेबर कर रहा है। उसके बाद मैं अगली बात करता हूं, क्या ये अकेले पंजाब की बात है? क्या ये अकेले सिर्फ चीफ मिनिस्टर की बात है या इन एमएलओ की बात है? नहीं, ये हर हिंदुस्तानी की बात है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन आएगी, भुखमरी आएगी। मैं कह रहा हूं आज, कैसे कह रहा हूं, क्योंकि आपने इस कानून में अंबानी और अडानी साहब जैसे लोगों को होर्डिंग को लेजिटिमाइज कर दिया। आपने उसमें लिख के दिया कि आप ये अनाज अपने गोदामों में रखिए, 50 गुना और 100 गुना बेचिए, 50 गुना और 100 गुना बेचिए। भुखमरी का कारण क्या है? मैं डंके की चोट पे कहता हूं, कोई डिबेट कर ले मेरे साथ, कोई भुखमरी का कारण ये नहीं है कि अनाज नहीं है, अनाज होता है साहब, अनाज गोदामों में होता है अंबानी और अडानी साहब के, लेकिन वो गरीब की पहुंच के परे हो जाता है, इसलिए इन्फ्लेशन आती है। और इन्फ्लेशन का असर अमीरों पे नहीं होता,
हम तो कहते हैं भर दे भैया अपना टैंक भर दे, कोई चक्कर नहीं। लेकिन जो गरीब 500 रुपए कमाता है वो 500 रुपए की वैल्यू 200 रह जाती है। जो वो 500 में खरीदता था वो 2000 में खरीद नहीं पाता। तुम्हारी जीएसटी ने व्यापारी मारा और आज ये काले कानून किसानों को मार रहे हैं, हमारी पहचान को मिटा रहे हैं। बाबा नानक ने दी थी ये हमें पहचान, मरते हुए मर जाएंगे इस पहचान को नहीं मिटेंगे, मिटने देंगे। नाम ही खोदेंगे तो किधर जाएंगे, और पहचान खोदेंगे सिद्धू तो बिखर जाएगा, नहीं बिखरने देंगे।